यो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विशाल, यू कैन कॉल मी ओजी। यस, आप आ चुके हैं ओजी रिएक्शन के YouTube चैनल पे। अभी जिस गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत ही तगड़ा आर्टिस्ट, यू ऑल नो हिम, चैन के, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड उर्दू रैपर। लेट्स चेक ब्रो एंड लेट्स गो विद द फ्लो। गाने का नाम है एनिमल एंड भाई आई नो भाई तगड़ा होने वाला गाना। लेट्स चेक। यो 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 चाओ। कभी ख्वाबों में भी सोचा नहीं था औरत को तलाक दूंगा, चौकट में रब की अपनी रूह को अजाब दूंगा। खराब पूरा रिश्तेदार सोचे ये बाप पूरा, फौरन फिर मैंने इनकी तोहमत से सवाल पूछा कि कौन सा शोहर चाहे बीवी जो दे हर खबर माँ को, घर कैसे बनेगा बीवी में जब इतनी अकल ना हो। बेटी नादान होती है पैगाम मेरा हर माँ को, शोहर और बीवी के राजदारी की कदर जानो। माने थे बेटी को वसवसा खतरनाक थूका, शोहर को काबू कर आना पे उसके मार जूता। महरम ना महरम की तरह फिर पूरी रात उठा, फरिश्तों की लानतों से बिस्तर आबाद पूरा। माए रिश्ते तुड़वाए कहानी हर घर की यही है, तो ना वो लानत इसको इसकी कोई गलती नहीं है। गुस्से में बदतमीज में बातें शायद सबकी सही है, जब लिखूं तो मुझ में और जानवर में फर्क ही नहीं है। जानवर बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, एनिमल बोले जानवर, बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, एनिमल। निकाह फिर तलाक फिर एक और निकाह, ये हो क्या रे, घर बदलूं हर साल दो चार, मेरी रोजी का है। एल्बम ट्रैक्स और रैप्स का मुझे होश ही ना है, रैपर वापस आ जा हेटर्स फैंस को गिले। आंखों में आंसू बाबा की कब्र में रात पहली, दो लड़के कब्रिस्तान के अंधेरे में मांगे सेल्फी। एंटी इंडस्ट्री बंदे को अवाम स्टार कहरी, गायब ना हुआ कर तू ले आ थोड़ी कंसिस्टेंसी। रैप से ज्यादा दूसरे हुनर से मैं लाखों छापूं, तो जब मैं लिखूं रैप लाखों का नुकसान उठा दूं। अब इन बच्चों को कैसे मैं खर्चे वर्चे समझा दूं, उधारों में हो जाऊं जब मैं कंसिस्टेंसी ला दूं। नामुमकिन इन रैपर्स की तरह मैं भी सर झुका दूं, हेनेसी दारू या आधी नंगी लड़कियां ला दूं। जो भी मैं मांगूं बस अपने रब से दुआ में मांगूं, नुकसान उठा के झूठों को मैं सच के थप्पड़ मारूं। जानवर बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, भाई इस गाने में जो लाइनें थी ना उसका मतलब सीरियसली बहुत डीप है। लाइक कि ब्रो मेरे हेटर्स और मेरे जो कुछ थोड़े फैंस है वो बोल रहे हैं कि भाई तू रैप एल्बम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं ला रहा, भाई गाने क्यों नहीं टाइम टू टाइम फेंक रहा, क्यों नहीं आ रहे तेरे गाने। और बोल रहा कि भाई जब मैं कंसिस्टेंट मतलब आँख मेरे को तो भूल ही गया भाई जब मैं कंटिन्यूसली कहते जब मैं रैप लेके आ रहा हूँ, गाने लेके आ रहा हूँ, देन क्या हो जाता है भाई, कर्जे में डूब जाता हूँ। लाइक होता है भाई एक आर्टिस्ट के लिए जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल उसके पास लाइक बीट किसी और से परचेज करनी पड़ रही है, मिक्स मास्टर कहीं और से करवाना पड़ रहा है, ऑडियो कहीं और से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें इक्विपमेंट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो भाई कर्जा तो आएगा ही भाई। प्रोडक्शन में बहुत पैसा लग जाता है हर चीज़ में, एंड कंटिन्यूसली रैप म्यूजिक बनाते रहना फॉर द फैंस एंड फॉर द हेटर्स। वो बोल रहा है कि अगर मैं करता रहूँगा तो भाई कर्जे में डूब जाऊँगा, और इनको पता भी नहीं है जो दो बच्चे जो मेरे हैं। लाइक आई थिंक यहाँ पर रेफरेंस दिया भाई ने किसी का, जो तो वो बच्चे कब्रिस्तान में बाप की कब्र के साथ लाइक वो फोटो सेल्फी मांग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि लाइक कि मैं कैसे कैसे लाइक लोगों को पता नहीं है कि कैसे कैसे बाप क्या क्या कर रहा है, लाइक कैसे कैसे गाने बन रहे हैं, कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, दे डोंट नो। सो लाइक कि मैं अब ये सब चीज़ें तो कर नहीं रहा और गाने मेरे चलते नहीं है, लोग प्रॉपरली लोगों को पसंद नहीं आ रहे जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर मैं वो चीज़ें लेके आऊँ अभी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि वो चीज़ें ले आऊँ जो सारे लोग कर रहे हैं, लाइक जो इसने अभी लाइन में बोला दिस एक मिनट, ये दारू या दी नंगी लड़कियां ला दूं, जो भी मैं मांगूं बस अपने रब से दुआ में मांगूं, नुकसान उठा के झूठों को मैं सच के थप्पड़ मारूं। जानवर बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, एनिमल बोले जानवर, बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल।
पढ़ाऊं कमेंट्स, कुछ बच्चे बोले नादिर मुनाफिक है तू, छोड़ दे मुसीकी रैप तू, बाजू पे तेरे टैटू, हक बात में जब रैप या सोशल मीडिया में कह दूं, अनफॉलो बॉयकॉट गालियां फिर इन सब की सह लूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये दौरे जाहिल अजीम है, कहते मुनाफिक तारिक मसूद साहिल अदीम है, इंजीनियर मिर्जा को भी देते ये गालियां, मैं रैप करना छोड़ भी दूं कौन सी मिलेंगी तालियां, तो मैं मुर्दों को क्यों खुश करूं, मरीज हैं होंगे किसी से खुश नहीं, ढूंढे सुखने मीम्स हैं फीड में क्योंकि जिंदगी में इनके कुछ नहीं, तब दे जब इनके बाप से ज्यादा कामयाब अगर हो जाए कोई, फिर जरिया बड़ास निकालने का बन जाए खरा कबड्ड की अरूप जतो याम मेरे लिए आकत के कातिल सारे, ये लाइन मेरे को लास्ट क्योंकि जिंदगी में इनके कुछ नहीं, तपते हैं जब इनके बाप से ज्यादा कामयाब अगर हो जाए कोई, फिर जरिया भड़ास निकालने का बन जाए खरा कबड्ड की अरूप जतो या मेरे लिए आकर के कातिल ये सारे, पढ़े बगैर मुझे मजहब सिखा रहे, बॉलीवुड मुझे ट्रेंडिंग में आ रहे, अब क्या इनको बोलू मैं खुद से ये हारे, लिखारी सोच रहे के गायब हो जाए ये, रैपर को कलम देकर आलिम सो जाए ये, जानवर बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, बोले जानवर बोले जानवर दे कॉलिंग मी एन एनिमल, यो यो वन मोर उर्दू रैप ब्रो, अमेजिंग लाइंस, अमेजिंग चीजें देखने को मिल गई है, लाइक एक आर्टिस्ट का सफर किस तरीके का हो सकता है, नॉट फॉर दोज आर्टिस्ट जो कि ग्रो हो रखे हैं, ऐसा नहीं है भाई, हर बंदे को स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है, हर बंदे को अपना जॉनरा छोड़ना नहीं होता है, और जिस जॉनरा पर ये काम करता है लाइक इसको लोग बोलते हैं कि भाई तू रैप रैप छोड़ दे अगर तू इतना ही वो कर रहा है, तेरे हाथों पे टैटूज वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो कहता है कि क्यों मैं इन लोगों की क्यों सुनूँ जो ऑलरेडी मर चुके हुए हैं, मुर्दा जिंदगी जी रहे हैं, लाइक इनकी क्यों सुन के चलो मैं अपना कर रहा हूँ, लाइक ठीक है कहीं कहीं चैनके का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सही होता है, कहीं कहीं चैनके का पॉइंट ऑफ व्यू शायद उसके नज़रिए से सही हो, हम उसे प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी भाई ये वो आर्टिस्ट है जिसे अभी तक कोई भी मतलब समझ नहीं पाया है इंडस्ट्री में लाइक चैनके को प्रॉपरली, और जिन लोगों ने इसको समझा है, जो बंदे इसको समझ रहे हैं प्रॉपरली, दे नोज कि भाई ये कितना सही आर्टिस्ट है, कंटिन्यूसली भाई के कंसिस्टेंटली जो ही होता ना, हाँ तो भाई के चैनल पर व्यूज आते हैं, लोग रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, भाई को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो भी आते हैं सुनते हैं और फिर हेट कमेंट देके जाते हैं, बट वो डिफरेंट चीज़ है, वो सबके साथ होता है, बट मेरा मानना ये है कि हिप हॉप में, देसी हिप हॉप में अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई ऐसा रैपर है जिसको कोई भी अभी तक प्रॉपरली समझ नहीं पाया, वो चैनके है, चैनके को कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कोई इसको पढ़ नहीं पा रहा है, कोई इसके बारे में समझ जान नहीं पा रहा है, बस इसको डिस कर देते हैं लाइक इससे मतलब दूर रहना चाहते हैं सारे, एंड नोबडी वांट्स टू टॉक विद हिम, कोई इसको पसंद नहीं करता है कोई भी, एंड जो करते हैं दे नोज कि भाई ये कैसा लिखता है, क्या चीज़ें करता है, मैं भी पूरा नहीं समझ पाया हूँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज इसके जो इसके नज़रिए से सही हैं भाई के, बट मेरे नज़रिए से मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक मुझे थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ेगा चैनके को, आई थिंक मुझे थोड़ा और खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बट आई न्यू भाई ये बंदा जिससे लोग कंटिन्यूसली सुन रहे हैं लाइक जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, सो विल ट्राई टू डू बिकॉज यही तो चीज़ है, एक आर्टिस्ट वही होता है जिसको समझने में समय लगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में समय लगे, दिस इज माई टाइम चैनके की तरफ से ये गाना है, इसको प्रोड्यूस मिक्स मास्टर लिरिक्स प्रोडक्शन चैनके की खुद की, मिक्स मास्टर ड्रीम बाय हैदर ओमार का है, और दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो भाई, अभी के लिए बस इतना ही, उर्दू रैप है, पाकिस्तान से जितने भी आर्टिस्ट जितने भी हमारे भाई लोग ये वीडियोस देख रहे हैं जो भी सुन रहे हैं, बस अगर आप चैनल पर नए हैं डू सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं आपके पाकिस्तान के सभी आर्टिस्ट कवर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए किस आर्टिस्ट के गाने सुनना चाहते हैं, किस आर्टिस्ट के गाने के ऊपर रिएक्शन आप चाहते हैं, कमेंट में डाल, आई विल मेक द रिएक्शन वीडियो एंड विल शेयर टुगेदर, सो अभी के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।